मूवी की शुरुआत में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम क्लाउडी होता है। क्लाउडी को लेने एक रिकार्डो नाम का आदमी आता है। वो दोनों गाड़ी से ऑफिस जा रहे थे, तभी रिकार्डो रेडियो ऑन करता है। तब उसमें न्यूज़ आती है कि शहर में बहुत लोग भगदड़ करने लगे हैं। क्लाउडी ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पर क्लाउडी को ऑफिस की एक सर्वेंट मिलती है जो क्लाउडी को बताती है कि तुम्हारी क्लाइंट ऊपर वेट कर रही है। क्लाउडी जल्दी से लिफ्ट में जाता है जिसमें पहले से माल्टा नाम की लड़की होती है जो क्लाउडी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। क्लाउडी माल्टा को किस करने लगता है, तभी माल्टा उसे मार कर लिफ्ट से बाहर आ जाती है। क्लाउडी को ऊपर जाना था इसलिए वो लिफ्ट में ही रहता है। थोड़ी देर में क्लाउडी की वाइफ लोरेना का कॉल आता है। लोरेना क्लाउडी को बताती है कि शहर में बहुत अटैक हो रहे हैं और लोग दंगे फसाद कर रहे हैं। उसी टाइम लिफ्ट की लाइट बंद होने लगती है इसलिए क्लाउडी कॉल कट कर देता है और बिल्डिंग के मैनेजर को कॉल करके बताता है कि मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ। मैनेजर कुछ देर वेट करने को कहता है। कुछ देर बाद क्लाउडी लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है। लिफ्ट को थोड़ा खोल लेता है, फिर क्लाउडी हेल्प के लिए आवाज़ें लगाता है। तभी उसे लोरेना का कॉल आता है। वो बताती है कि हमारे घर का दरवाज़ा कोई लॉक कर रहा है। क्लाउडी बहुत डर जाता है। क्लाउडी तुरंत अपने फ़ोन में न्यूज़ देखता है। तभी क्लाउडी को बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। तभी वहाँ माल्टा गिरती है। माल्टा क्लाउडी से हेल्प मांगती है। क्लाउडी उसे लिफ्ट में खींचने की कोशिश करता है पर पीछे से माल्टा को कोई खींच लेता है। फिर फ्लोर में शांति छा जाती है। क्लाउडी बाहर झांकने की कोशिश करता है तभी वहां पर बहुत सारे जॉम्बी आ जाते हैं। जॉम्बी लिफ्ट में घुसने की कोशिश करते हैं पर वो लिफ्ट में नहीं जा पाते इसलिए वो भाग जाते हैं। तभी क्लाउडी को मैनेजर का कॉल आता है। क्लाउडी उसे बताता है कि यहां पर बहुत सारे जॉम्बी आ गए हैं लेकिन मैनेजर को पता नहीं होता। तभी वहां पर जॉम्बी आकर मैनेजर को मार देते हैं। ये सुनकर क्लाउडी और डर जाता है क्योंकि अब उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं बचा था। तभी क्लाउडी को सारा कॉल करती है। जैसे ही क्लाउडी सारा से बात करने लगता है पीछे से एक जॉम्बी उसे पकड़ लेता है। क्लाउडी खुद को छुड़ा लेता है। क्लाउडी एक पाइप को निकालकर जॉम्बी को मार देता है। अब क्लाउडी फोन पर वीडियो देखता है जिसमें जॉम्बी लोगों को बुरी तरह से काट रहे थे। कुछ देर बाद बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, अंधेरा छा जाता है। तभी कोई जॉम्बी को शूट कर देता है, वो एक सोल्जर होता है। क्लाउडी सोल्जर से बाकी सोल्जर को बुलाने को कहता है। सोल्जर उससे बताता है कि वो अकेला ही है। ये सुनकर क्लाउडी सैड होता है। क्लाउडी सोल्जर को टॉप पर जाने को कहता है क्योंकि वहां पर एक जनरेटर है। सोल्जर क्लाउडी को एक गन और वॉकी टॉकी देकर टॉप पर चला जाता है। क्लाउडी उस सोल्जर मार्शलों को रास्ता बताता जाता है। जनरेटर को ऑन करते ही लिफ्ट में कुछ हलचल होती है लेकिन लिफ्ट नहीं खुलती। तभी कुछ जॉम्बी लिफ्ट में आ जाते हैं इसलिए मार्शलो जॉम्बी को शूट करने को कहता है। क्लाउडी उन सभी जॉम्बी को मार देता है। तभी मार्शलो की भी चीखों की आवाज़ आने लगती है। क्लाउडी अपनी गन चेक करता है, गन में एक ही गोली बचती है। क्लाउडी अपने आप को शूट करने लगता है लेकिन उसे फिर से मार्शलो की आवाज़ सुनाई देती है जो लिफ्ट के ऊपर होता है। मार्शलो क्लाउडी को लिफ्ट की टॉप को खोलने को कहता है। अब मार्शलो लिफ्ट में आ जाता है। मार्शलो लिफ्ट में आकर बाकी जॉम्बी को मार देता है। अब वो दोनों बैठे होते हैं। तभी मार्शलो की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब मार्शलो क्लाउडी को गन देकर खुद को शूट करने को कहता है लेकिन क्लाउडी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब काफ़ी रात हो जाती है। तभी क्लाउडी देखता है कि मार्शलो भी अब जॉम्बी बनने लगा है। वो उसे मारने के बारे में सोचता है। तभी मार्शलो उस पर अटैक कर देता है लेकिन क्लाउडी उसे तुरंत मार देता है। थोड़ी देर में क्लाउडी को एक कॉल आता है। वो कॉल लोरेना का होता है। लोरेना की आवाज़ सुनकर क्लाउडी बहुत खुश होता है। अब क्लाउडी लिफ्ट को तोड़कर बाहर आ जाता है। जब क्लाउडी नीचे के फ्लोर पर होता है तभी वहां पर एक जॉम्बी आ जाती है। क्लाउडी उस जॉम्बी को मार देता है। क्लाउडी ऑफिस से बाहर आता है। उसके चारों तरफ मरे हुए जॉम्बी होते हैं। क्लाउडी आगे बढ़ता है तभी उसके सामने एक जॉम्बी और आ जाता है। क्लाउडी उसे देखकर डरता है मगर कोई उसे शूट कर देता है और वो सोल्जर होते हैं जो क्लाउडी को देख लेते हैं। इस तरह क्लाउडी जिंदा बच जाता है और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।